लो भाई, बिग बॉस ने इन घर वालों को लड़ाने के लिए एक और पॉइंट दे दिया है कि भैया अभी तुम्हारी लड़ाई जो है थोड़ी कम हो रही है, थोड़ी और लड़ाई चालू करो। थोड़ा मज़ा कम आ रहा है, थोड़ी और लड़ाई करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब बिग बॉस ने क्या किया है कि इलेक्शंस करवाने लग गए हैं वो बिग बॉस के घर में, और वहाँ से दो कंटेंडर उन्होंने उठाए हैं। एक तो अरफीन है अपने, और दूसरे हैं रजत दलाल। अब अरफीन देखो भाई, मैन्युपुलेट तो वो बंदा करता है पूरा का पूरा, ये हम सबने देखा है। जिस तरीके से वो सलमान को भी मैन्युपुलेट करने की ट्राई कर रहा था वो आप सबने देखा क्लियरली। तो अरफीन भी आगे तक तो जाएगा, कुछ आगे तक तो डेफिनेटली वो भी बंदा जाएगा, ये हमें नज़र आ रहा है। तो बात करते हैं इलेक्शंस के बारे में। तो दोनों को अपने अपने पॉइंट्स रखने थे कि किस तरीके से वो बेटर हैं। तो वहाँ रजत, आप सबको पता है कि वो अपने पॉइंट्स रखने में बड़ा क्लियर होता है, क्योंकि जब कल विवियन के साथ उसकी पॉइंट्स रखने वाली बात हो रही थी तो वहाँ सलमान के आगे भी उसने बड़ी क्लियरली अपने जो थॉट्स थे उसने रखे। और अरफीन का सॉरी रजत का ये कहना था कि देखो भाई, अरफीन में कमियां तो हैं, इस तरीके से कमियां हैं कि जब वो अभी जो बना था टाइम गॉड, उसने सभी से काम करवाया लेकिन खुद उसने एक भी काम नहीं किया। वहाँ पे अरफीन का कहना है कि भाई मैं काम कैसे करता, मैं खुद डिक्टेटर था, मतलब जो भी था गॉड ऑफ टाइम या टाइम ऑफ गॉड, तो मैं वो था, तो मैं कैसे करता। और तू क्या करवाएगा, तू खुद के लिए पहले डिसाइड कर ले, क्योंकि तू तो पूरे टाइम सोता रहता है। तो वो जो लीडर बनेगा वो कैसा लीडर होगा जो खुद ही सोता रहता है, वो लोगों से क्या ही काम करवा पाएगा। तो इस तरीके की इनकी जो हीटेड वाली आर्ग्यूमेंट है वो हो रही है। अच्छा, इसके बाद बात ये भी आ पहुंची है कि एलिमिनेट करने का पावर इन दोनों में से किसी एक को मिलेगा जो जीतेगा। ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि बिग बॉस ये क्या तुम गेम खेल रहे हो कि इन्हें पावर दे दे रहे हो एलिमिनेशन का। अब इसमें करण पूछता है रजत से कि रजत तू ये बता कि अगर तेरे पास एलिमिनेट करने का पावर है तो तू किसे एलिमिनेट करेगा। और वो सीधा सीधा कह रहा भाई मैं ईशा को एलिमिनेट करूँगा। रजत, मुझे ये बात थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि कल रजत ने ही ये बात कही थी कि इस पूरे घर में मैं ईशा को अपनी बहन मानता हूँ और बाकी लड़कियों से मैं दूर रहता हूँ। तो अगर रजत तुम उसको अपनी बहन मानते हो तो फिर उसको एलिमिनेट क्यों करना चाहते हो, बहन को तो लोग घर में रखना चाहते हैं ना। लेकिन फिर वही बात है कि भैया इनका भी, रजत और केवी आजकल एक हुए पड़े हैं कल के एपिसोड के बाद से, और विवियन और अविनाश एक हुए पड़े हैं। तो यहाँ आपको दो टीमें बनती हुई सी क्लियरली नज़र आने वाली है। चलिए बाकी आप लिखिएगा आप किसको चाहते हैं डिक्टेटर बनता हुआ देखना, क्योंकि जो भी बनेगा वो आई थिंक अब डिक्टेटरशिप करेगा। यहाँ पे आपको ये भी मैं बताऊँ कि विवियन ने क्लियरली कहा कि भाई तूने तो कहा था कि जब तू जब जीतेगा कोई टास्क तो तू डिक्टेटर बनेगा। तो इसने कहा कि हाँ, जब मैं नेता जैसा बिहेव मुझे करना है तब मैं नेता बन के जिस तरीके से चाहूँ उस तरीके से घर को चलाऊँगा, ये मेरी मर्जी है टोटली। तो देखते हैं अब कि रजत अगर बनता है लीडर तो वो कैसा बनता है।